ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्या है बाबू? हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन एंड बाबू डेसिमल। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आप लोग पढ़े हो तो अच्छी बात है बाबू, नहीं पढ़े हो तो सीखने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, है ना? ठीक है सर। अब फ्रैक्शन होता क्या चीज है बाबू? फ्रैक्शन होता क्या चीज? फ्रैक्शन जो बना हुआ है बाबू, फ्रैक्शन जो बना बाबू, ठीक है ना, फ्रैक्शन जो बना हुआ बाबू, ठीक है, जो फ्रैक्शन वर्ड बना हुआ बाबू, फ्रैक्शन जो वर्ड बना हुआ शैतान मेरे, ठीक है ना, फ्रैक्शन जो वर्ड बना हुआ बाबू, किस वर्ड से बना हुआ? लैटिन वर्ड से बना हुआ फ्रैक्शन, लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से बना हुआ बाबू, ठीक है ना? ठीक है, लैटिन वर्ड कौन सा बाबू? फ्रैक्टस। क्या बाबू? फ्रैक्टस। लैटिन, ये लैटिन वर्ड कौन सा बाबू? फ्रैक्टस, है ना? FRACTUS, फ्रैक्टस। जिसका मतलब क्या होता है बाबू? जिसका मतलब क्या होता है बाबू? जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब क्या होता है बाबू? ब्रोकन, टूटा हुआ, टूटा हुआ, ठीक है बाबू? जिसका मतलब क्या होता है बाबू? ब्रोकन, टूटा हुआ, है ना? मतलब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है ना? तो इसमें आप लोग रियल लाइफ से इक्वेट करके पढ़िएगा, रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक है ना? जो आप लोग रियल लाइफ में एक्टिविटी करते बाबू, उसी से रिलेट करके पढ़ेंगे ना। तो फ्रैक्शन मेरा किस वर्ड से बना हुआ? लैटिन वर्ड फैक्टर से बना हुआ, ठीक है ना? किससे बना? फैक्टर से बना हुआ। जिसका अर्थ क्या होता है बाबू? जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीन्स क्या होता है बाबू? मीन्स होता है ब्रोकन, मतलब क्या सर? टूटा हुआ, टूटा हुआ, है ना बाबू? क्या? टूटा हुआ, ठीक है? ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है। जैसे क्या सर? जैसे क्या सर? फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या बाबू? एकदम समझे दम सर, वीडियो ऑन कीजिए ना जी। शिवम बाबू, कहा इतना आप लोग वीडियो बंद रखते बाबू? आप लोग का ना सब पेरेंट्स से मैसेज करना ही पड़ेगा, कॉल करना ही पड़ेगा बाबू, है ना? पेनाल्टी लगेगा 5-5 रुपया आपको पर डे के हिसाब, जिसका जिसका वीडियो बंद रहेगा बाबू पेनाल्टी रहेगा, लास्ट में फाइनली हम लोग ऐड कर देंगे मंथली में, ठीक है? अंजलि बाबू आप आ गया ना, ये न्यू चैप्टर है अंजलि। गुड मॉर्निंग बाबू, आपके लिए न्यू चैप्टर है, पीछे से कोई रिलेशन नहीं है बाबू, है ना? तो यू कैन अटेंड, दिस इज द बाबू न्यू चैप्टर फॉर ऑल स्टूडेंट, ठीक है अंजलि? म्यूट कीजिए बाबू, आपका फैन से साउंड डिस्टर्ब हो रहा, म्यूट कीजिए बाबू। चलिए अच्छी बात है ना बाबू? देखो बाबू, होता कुछ नहीं है, फ्रैक्शन आसान है, फ्रैक्शन आसान है, लाए नहीं कुछ, क्या करें? एप्पल लाते थे, कम से कम कैडबरी लाते तो आपको अच्छे से समझाते, ठीक है ना बाबू? ठीक है, ठीक है सर। देखो बाबू, मान लो ये पेन है, ठीक है ना, ये पेन है बाबू, ठीक है? तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है? तीन इक्वल पार्ट में क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है ना? तो एक पार्ट कितना बनेगा? 1/3 बनेगा। तो जो 1/3 हो गया बाबू, वही आपका क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। वही क्या हो गया बाबू? मेरा फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, है ना? नहीं समझ में आया सर? अरे शैतान, मेरे समझना ही नहीं इसमें बाबू, इसमें समझना ही नहीं, इसमें कुछ ज्यादा समझना ही नहीं है, ठीक है ना? जैसे मान लो शैतान मेरे, जैसे मान लो शैतान मेरे, जैसे मान लो बाबू मेरे, ये मेरा क्या है? एक शीट ऑफ ये पेपर है, है ना? ठीक है, तो अभी ये कितना बाबू? अभी ये कंप्लीट वन पार्ट है, दिस इज बाबू अभी कंप्लीट कितना? वन पार्ट है, ठीक है? ठीक है सर। अब इसको हम चाहते हैं बाबू तीन पार्ट, चार पार्ट, हाँ जितने आपकी इच्छा है बाबू, जितने आपकी इच्छा है उतना पार्ट में इसको क्या कर दो? ये कट कर दो, कट कर दो। मान लो यहाँ से हो गया, ठीक है बाबू? और इसको ऐसे फोल्ड करना चाहते हो तो फोल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है बाबू? तो देखो 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 क्या होगा, देखो 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 क्या होगा। फ्रैक्शन मीन्स होता क्या चीज? जो एक कंप्लीट पार्ट था, अब मान लो हमने इतना क्या किया बाबू, इतना हमने क्या किया? इतना हमने हमने हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, इतना हमने क्या किया शैतान मेरे? हटा दिया, है ना? ठीक है, तो ये क्या हो बाबू? एक कंप्लीट पार्ट में से बाबू, कंप्लीट पार्ट से इतना पार्ट क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो कितना पार्ट रिमूव हुआ सर? कितना रिमूव हुआ, है ना? तो जितना पार्ट रिमूव हुआ बाबू, या जो पार्ट बचा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? फ्रैक्शन कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। मतलब नहीं समझ में आया? देखो बाबू क्या है, क्या कुछ नहीं सकता। जैसे मान लो, जैसे मान लो, जम्बे से मान लो बाबू, ये पेपर था ना, ये पेपर था ना, हाँ सर ये पेपर है, है ना? ये पेपर है बाबू, ठीक है, ठीक है। अब मान लो इसको थ्री पार्ट में क्या करो बाबू? थ्री पार्ट या फोर पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, है ना? थ्री पार्ट या फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना? अब मानते बाबू इतना आपने क्या किया? कट के हटा दिया, कट के हटा दिया, कट के हटा दिया, है ना? तो देखो टोटल मेरा कितना था बाबू, यहाँ समझने की कोशिश करना। टोटल मेरा ये कितना? वन है, है ना? टोटल पार्ट कितना था? वन था, ठीक है? टोटल बाबू पूरा एक कंप्लीट ये कितना था? वन पेज था ना जी, वन पेज था ना मेरे शैतान, हाँ सर, है ना? अब यहाँ से बाबू इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया? वन पार्ट सर, टू पार्ट सर, थ्री पार्ट, फोर पार्ट, तो ये कितना हो गया? 1/4। मतलब क्या सर? इसको फोर पार्ट में डिवाइड कर देते, 1/4 क्या बताता है? व्हाट इज द टेल्स बाबू अबाउट 1/4? मतलब ये जो है बाबू, ये जो है, ये हिस्सा कितना है? 1/4 है सर, है ना? ये हिस्सा कितना बाबू? दिस पार्ट हाउ मच बाबू? दिस पार्ट इज बाबू हाउ मच? 1/4 है। ये हिस्सा कितना बाबू? इच हिस्सा, इच पार्ट बाबू कितना? ये भी कितना मेरे बाबू? 1/4 है।
ये पार्ट मेरा कितना बाबू शैतान मेरे, ये कितना मेरा बाबू, ये मेरा कितना 1/4 है ना। मतलब बाबू क्या हो, इसका मतलब क्या होता बाबू, इसका मतलब क्या होता कि कोई भी एक कंप्लीट होल चीज है, कोई भी एक बाबू क्या है, कंप्लीट होल चीज है ना, ठीक है। और उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करो बाबू, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अब सर हम कितना पार्ट करेंगे बाबू, तो IGU 20 है ना, जितना आपको इच्छा उतना पार्ट में डिवाइड कीजिए। हमको यहाँ इंटरेस्ट था 4 पार्ट में, 4 पार्ट में कट के यू कैन कट बाबू इंटू 6 पार्ट 8 पार्ट है ना, जैसे आपको इच्छा बाबू, इंटरेस्ट है बाबू, जितना इंटरेस्ट है ठीक है ना, उतना पार्ट में क्या कीजिए, कट कीजिए है ना, ठीक है सर। और इक्वली पार्ट में बाबू क्या करना, कट करना, इक्वली पार्ट में कट करना। तो जो हर एक पार्ट ऑब्टेंड होंगे ना बाबू, जो हर एक पार्ट ऑब्टेंड होगा ना शैतान मेरे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, फ्रैक्शन कहेंगे। किसका सर, कंप्लीट होल पार्ट का। किसका फ्रैक्शन होगा बाबू, होल पार्ट का होगा, ठीक है ना। लाए नहीं बाबू, हम क्या करें, एप्पल लाते, कैडबरी टॉफी खिलाते ना, तो अच्छे से खिला खिला के बताते हैं है ना, ला नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्या करें, ध्यान था बाबू का तो, और एकदम एप्पल काट काट के बताना है, बताते हैं ना, एक एप्पल आप सोचो आज ऐसे क्यों हो रहा। मान लो एक एप्पल ले लिया है ना बाबू, एक एप्पल ले लिया, थोड़ा सा इमेजिन करो ना, नई चीज है तो क्या आप इमेजिन किया जाता बाबू। हमारे इंडिया में क्या है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इंडिया में बहुत जबरदस्त जुगाड़ टेक्नोलॉजी। मतलब क्या सर, कि कोई भी चीज इंडिया में स्टूडेंट के पास या टीचर के पास नहीं रहता, लेकिन समझा ही देगा, किसी किसी तरह से समझा देगा है ना। तो जैसे मान लो बाबू क्या, आपके पास एप्पल है ना, क्या बाबू एप्पल है, ठीक है, ऐसा है ना। अब इसको बाबू चाहते हो कि आप 2 पार्ट में 4 पार्ट में कट करो, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 1 2 3 4 है ना। अब इतना आप खाओगे बाबू, इतना खाओगे तो आपसे कहेगा कि आप कितना पार्ट खाएं, कितना पार्ट खाएं, तो टोटल एप्पल कितना था शैतान मेरे, 1 था सर है ना। कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया है ना। तो हर एक पार्ट कितना हो गया बाबू, ये इतना पार्ट कितना हो गया, 1/4 हो गया। ये पार्ट कितना हुआ बाबू, दिस पार्ट इज ऑल्सो बाबू 1/4, दिस पार्ट इज बाबू ऑल्सो 1/4, दिस पार्ट इज बाबू ऑल्सो 1/4 है ना। तो ये जो 1/4 हुआ ना बाबू, ये क्या फ्रैक्शन है, किसका 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 बाबू, कंप्लीट होल सबस्टांस का, कंप्लीट होल ऑब्जेक्ट का। ये होल था ना बाबू, मेरे कट करने से पहले एक संपूर्ण था, होल था। तो इसका ये क्या है बाबू, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, लैटिन वर्ड से बना बाबू, जिसका मतलब क्या होता है, टूटा हुआ, टूटा हुआ। समझ में आया सौम्या, आया बाबू समझ में कि नहीं आया सर, सौम्या चलिए ठीक है, ठीक है बाबू। तो इसको अगर डिफाइन करना रहे शैतान मेरे, तो इसको डिफाइन करना रहे बाबू, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, डिफाइन करना रहे बाबू, ठीक है। तो डिफाइन करना रहे बाबू, तो आगे हम लोग इसको डिफाइन डिफिनेशन लिखना रहे बाबू, डिफिनेशन अगर लिखना रहे शैतान, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे है ना, डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें चैप्टर उसके जैसा लेंदी नहीं है बाबू, ठीक है ना। सबसे ज्यादा लेंदी चैप्टर लॉगरिथम था, इंडिसेस था है ना, है ना। और ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, इजी है, आसान है ना, आसान है, ठीक है ना। आप लोग का 6-7 का चीज है ना, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जानते हैं, और इसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस ये सब आएगा, तो थोड़ा सब लेवल हाई भी हो जाता है ना। तो बेसिक से भी बताएंगे, लेवल हाई से बताएंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करो बाबू, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो, इसको बाबू एक लाइन में यू कैन बाबू डिफाइन इन 1 लाइन, ठीक है ना, ठीक है बाबू। मेरा कवर कहाँ चला गया, क्या डिफाइन करें बाबू, It is Babu defined as the part of whole. मतलब बाबू क्या, कोई कंप्लीट चीज का बाबू जो पार्ट होगा, जो बाबू उसका हिस्सा होगा, दैट हिस्सा इज कॉल्ड बाबू क्या, ये डिफिनेशन, ये क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शन कहलाएंगे, दैट पार्ट इज बाबू कॉल्ड फ्रैक्शन है ना। या इसका और डिफिनेशन है, ठीक है ना बाबू, तो और डिफिनेशन है, ठीक है ना। फ्रैक्शन को और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन कर सकते हैं ना, ठीक है, फ्रैक्शन को और डिफाइन कर सकते हैं। इसको बाबू इतना लिखे ना आप लोग, जब तक इंक डाल लेते हैं, हल्का हो गया इंक बाबू, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, इंक जब तक रेड में है ही नहीं, एकदम जैसे लाइट दिख रहा है। लिखे इतना सही से, कदम सही सही से पढ़ना है ना, ब्लैक में भी नहीं है, ब्लैक का इंक है कि खत्म हो गया।
नहीं है ब्लैक में, डब्बा ब्लैक ब्लॉक खत्म हो गया, मार्कर ब्लैक खत्म, ग्रीन में है बाबा। आज आपका नेटवर्क ठीक है शिवानी? शिवानी बाबू यस सर, नेटवर्क ठीक है बाबू? अभी तक तो ठीक है। हाँ जिस समय पूछेंगे तो आज बाबू नेटवर्क खराब रहेगा तो आप समझिएगा, ठीक है ना, हम डेली डेली नहीं ऐसी करेंगे। उसको क्या बोलता है, आज आपका फ्लाइट फाइनल कर देंगे, उसको प्राइज देना अभिनय प्रकाश को भी और सौम्या से, आप लोगों में जो भी ले, ले जाओ। रिस्का शिवांगी वीडियो ऑन करो ना, शैतान क्यों इसे करते हो आप, नहीं अब फोन करना ही पड़ेगा, ये सब बहुत शैतान हो गया। अमित बाबू वीडियो ऑन कीजिए, सबके पेरेंट्स को करेंगे कि सर आपके बच्चे के फी अब बढ़ जाएंगे, जितना दिन वीडियो ऑन रहेगा वो पास ऑफ रहेगा, 5 रुपये पर डे के हिसाब से रजिस्टर में मेंटेन कर देंगे, है ना, 5 रुपीज पर डे के हिसाब से, ठीक है बाबू। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, दिस इज अबाउट फ्रैक्शन, है ना, इसका सेकंड डिफिनेशन अगर डिफाइन करना रहे बाबू और करके लिखेंगे हम लोग, है ना, और करके लिखेंगे शैतान मेरे, फिर डायग्राम आपको बताते हैं, फिर डायग्राम बताते हैं। देखो बाबू और के नीचे लिखना, और के नीचे लिखना बाबू, और क्या फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं बाबू, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं बाबू, तो क्या करोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाबू, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाबू, या बाबू क्या नंबर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाबू और नंबर बाबू इज डिवाइडेड बाबू इनटू टू और मोर पार्ट, क्या बाबू दो या दो से ज्यादा, टू और बाबू मोर पार्ट, टू और बाबू मोर पार्ट, देन बाबू देन दीज पार्ट या ईच पार्ट, देन बाबू ईच पार्ट इज कॉल्ड, देन बाबू ईच पार्ट इज कॉल्ड बाबू फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन, किसका बाबू ऑफ होल, फ्रैक्शन बाबू ईच पार्ट इज कॉल्ड बाबू क्या फ्रैक्शन, किसका 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 बाबू, होल, होल ऑब्जेक्ट और नंबर, होल ऑब्जेक्ट और नंबर, होल ऑब्जेक्ट और नंबर, है ना। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं सर, मतलब बाबू हम साफ साफ यही कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा अंजलि बाबू, समझ में आ रहा अंजलि, ए अंजलि बहुत तेज फैन में वो पढ़ रही है एकदम। चलिए तो इवनिंग में क्यों नहीं आते बाबू, चलिए आप मॉर्निंग में ही आइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ ही जाएगा, है ना, इवनिंग में भी आइएगा तो अच्छी बात है, ठीक है बाबू। मतलब क्या सर, मतलब क्या शैतान, मतलब कुछ नहीं बाबू, मतलब कुछ नहीं, इसमें आपको बहुत सारे नए नए चीज सीखने को मिलेंगे। सर नेट अच्छा से नहीं चल रहा आपका, अंजलि किसका नहीं चल रहा, उधर से लगता नहीं चल रहा, मेरा तो ठीक है बाबू, चलिए है ना, म्यूट कर लीजिए अंजलि, आपका फाइन बहुत तेज चल रहा। मतलब क्या बाबू, मान लीजिए मेरे पास क्या एक कंप्लीट सर्किल है ना बाबू, एक कंप्लीट सर्किल है ना, या मान लो बाबू ये क्या हो गया आपका, मान लो ना कि लड्डू हो गया, है ना, लड्डू हो गया, ठीक है, तो इसको बाबू मान लो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, इसको बाबू कितना पार्ट में डिवाइड कर देते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, है ना, इस तरह से इसको क्या किया बाबू, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि नहीं, ठीक है, तो हर एक पार्ट बाबू क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, हर एक पार्ट बाबू क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, किसका, होल पार्ट का, कंप्लीट पार्ट का क्या कहलाएगा बाबू, फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ईच पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, ईच पार्ट की वैल्यू कितना होगा बताओ, तो ये टोटल का टोटल क्या है, कंप्लीट वन है ना बाबू, ठीक है सर, वन हो गया, कितना पार्ट में डिवाइड किया, वन बाय दो पार्ट में डिवाइड किया, तो वन बाय टू हो गया, है ना बाबू, वन बाय टू हो गया, मतलब इस पार्ट की वैल्यू कितनी, जो कलर किया बाबू उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाय टू हो जाएगी, जो शेडिंग किया बाबू उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाय टू हो जाएगी, ठीक है बाबू, ठीक है सर। जैसे मान लो बाबू एक लड्डू है, ठीक है ना, और एक बना लो,
इसको बोलो बाबू आपके चार भाई हैं, तो चार कहेगा हम बराबर बराबर हिस्सा में हमको दे दो, है ना। तो एक हिस्सा की वैल्यू कैसे निकालोगे, मान लो बाबू ये जो शेडिंग किया एक हिस्सा की पार्ट कैसे निकालोगे, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी सेंड कर देंगे, ठीक है ना, बना डालिएगा। और बाबू क्या आपका जो ये यूनिटरी मेथड से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज आपका बहुत सारा वर्कलोड है बाबू, जो कर लिया वो एंजॉय करेगी, जो नहीं किया वो करो अपना शैतानी करो, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिटरी मेथड का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन करवा देंगे, आज आप लोग नहीं करके लाए इसलिए पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसका एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा, जो शेडिंग है इसके एक पार्ट का वैल्यू कितना बाबू, तो कंप्लीट वन है, इसको क्या करें चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, तो इसका वैल्यू कितना बाबू, 1/4 है। देखो ना, देखो सोचो ना, ये 1/4, तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, सारे को ऐड करो बाबू तो कंप्लीट मेरा क्या जाएगा, एक सर्किल कंप्लीट एक वन पार्ट आ जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक मेरा सिंगल पार्ट आ जाएगा, है ना। तो जो भी ये बाबू इसको करना, तो जो भी इसको अगर डिवाइड करना तो इक्वल में करना, तो यही जो बाबू डिवाइड किया आपने, तो ये क्या होगा, इतना पार्ट कट करके निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट का क्या होगा, छोटा सा पार्ट हो गया ना, दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ये हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहता हूँ, कोई टॉप चीज नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू क्या है, आप इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाबू, रॉकेट साइंस नहीं है, है ना, ठीक है। ये आपको हेक्सागोन है बाबू, है ना, हेक्सागोन है, ठीक है सर, हेक्सागोन है। अब मान लो इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हो, तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, इस पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो कितना पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट है, तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंप्लीट मेरा 1 है सर, और 6 में किया ना तो 6 हो गया, तो इस शेडेड पोर्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, है ना, ठीक है सर, ठीक है बाबू। तो ये सब डायग्राम है, बेसिक चीज है, दिस इज द बाबू बेसिक कंसेप्ट है, लिखिए। अब ज्यादा इसमें क्या पता है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं बाबू, ठीक है। इसका थर्ड डिफिनेशन, फ्रैक्शन का बाबू थर्ड डिफिनेशन, तीसरा डिफिनेशन इसको डिफाइन करते हैं, जल्दी से लिखो, अमित शैतान वीडियो ऑन करो ना, आनंद बाबू आई भी शैताने हो गया, वीडियो ऑन करता नहीं है, सब खाली सो के पढ़ता है, अरे वीडियो ऑन तो है, हाँ आनंद ऑन था, है ना, अब ऑन किया, क्या ऑन था, ठीक है बाबू। अब इसका एक थर्ड डिफिनेशन, जो आपको रेशनल नंबर का डिफिनेशन लिखा है ना बाबू, वो भी फ्रैक्शन के लिए ही वैलिड है, फ्रैक्शन के लिए वैलिड है, रेशनल नंबर वाला, कौन सा सर, कोई भी नंबर बाबू, अगर क्या हो एक न्यूमिनेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे बाबू, फ्रैक्शन कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे, है ना। मतलब क्या सर, अरे शैतान, यहाँ एक न्यूमिनेटर का टर्म है कि नहीं, है ना, यहाँ एक डिनोमिनेटर का टर्म है कि नहीं, ठीक है ना। तो या तो डायग्राम से बनाओ बाबू, ठीक है ना, डायग्राम बनाओ, ठीक है ना, एप्पल लाओ, कैडबरी लाओ, वहां से छोटा पार्ट खा लो, बाकी जो बच गया बाबू वो भी फ्रैक्शन कहला गया, जितना खा गया वो भी फ्रैक्शन कहला गया, है ना बाबू। मान लो इतना पार्ट निकाल गया तो ये कितना निकल, 1/4, तो ये बचेगा कितना, बचेगा कितना, तो जो बचा बाबू, बचा कितना, बचा 3/4 बचा ना मेरे शैतान, तो 3/4 भी क्या हो गया, फ्रैक्शन ही हो गया, 3/4 भी क्या हो गया, फ्रैक्शन ही हो गया, है ना, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड डिफिनेशन, नेक्स्ट डिफिनेशन क्या कहता है बाबू, कोई भी नंबर अगर न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे बाबू, फ्रैक्शन कहेंगे। तो यही इसी को क्या कह दिया बाबू, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, एक को न्यूमिनेटर को मान लो पी, मान लो डिनोमिनेटर को क्यू मान लो, है ना, जो रेशनल नंबर में डिफाइन किया है ना। तो ए नंबर बाबू व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू इज कॉल्ड बाबू फ्रैक्शन, 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 जहाँ क्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ 1/0 नहीं होना चाहिए बाबू, नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है ना, अनडिफाइंड हो जाता है ना, ठीक है। तो 1/0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए ना। अभी तक आप लोग जहां भी पढ़े हो बचपन से अभी तक, कहीं देखना डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया होगा, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन बनाया होगा तो डिनोमिनेटर में 0 ऐसे नहीं किया होगा, ऊपर डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है, 0/3 0 है ना बाबू, लेकिन 3/ डिनोमिनेटर में 0 अभी तक ऐसे नहीं किया, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है, उसको डिफाइन ही नहीं है ना बाबू, इसीलिए आप लोग अभी अभी तक के लेवल में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया है ना। तो इसको इरेज करते बाबू, थर्ड इसको डिफाइन कर देते, फैक्टर का डिफिनेशन जितना भी पॉसिबल केस है ना सब बता देंगे। सतीश आप फेयर करते हो बाबू, किसी तरह से कर रहे हो, हमको तो नहीं लगता कि आप करते होगे फेयर, करते हैं सर। अच्छा, तो आप गांव में ना हो? यस सर। आपके पापा जी हिंदी होंगे ना? यस सर। हाँ चलिए बात करते हैं, आज तो नहीं टाइम मिल पाएगा, एक आध दिन में बात करते, थोड़ा तैयार रहिएगा, तो बहुत दिन हो गया आप, 3 महीने 4 महीने से पता नहीं कितने दिन से पढ़ रहे हो, लेकिन आज जरूर, आज कभी शाम उम के कसन टाइम मिलेगा तो जरूर बात करते हैं। अच्छा, आज चंगुल में आप फंस गए बाबू, आज चंगुल में फंस गया है,
मछलियां चंगुल में एकदम फंस गया आराम से, ठीक है ना। ऐसे ही भाई से साथ रहता है, कंट्रोल नहीं हो पाता ना। तो नेक्स्ट बाबू, इसका नेक्स्ट डिफाइन कैसे करेंगे बाबू, और करके लिखेगा। फर्स्ट डिफिनेशन हो गया क्या, पार्ट ऑफ होल। सेकंड डिफिनेशन क्या हो गया बाबू, ठीक है, टू या टू से ज्यादा पार्ट या ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या करो, कट करके निकाल दो, उसको हम लोग फ्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट और करके लिख लीजिए बाबू। अ नंबर, अ नंबर बाबू इज इन द फॉर्म, इज इन द फॉर्म बाबू, अ नंबर बाबू इज इन द फॉर्म, इज इन द फॉर्म बाबू, किस किस फॉर्म है, पी वाई क्यू। कोई भी नंबर बाबू किस फॉर्म में, पी वाई क्यू। पी मेरा यहाँ क्या बताता है, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को बताता है। क्यू मेरा क्या बताता है, डिनोमिनेटर को बताता है। आप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, पी क्यू से डर जाना नहीं है, ठीक है ना। तो पी बाई क्यू क्या लिख दे, पी की जगह मान लो वन हो जाएगा, क्यू की जगह टू हो जाएगा, पी की जगह थ्री हो जाएगा, क्यू की जगह फोर हो जाएगा, है ना। तो पी बाबू न्यूमिनेटर को बता रहा है जहाँ पी की वैल्यू एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस कुछ हो सकता है। क्यू डिनोमिनेटर को बता रहा है जहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ कुछ हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो डरना नहीं है, पी बाई क्यू से डर जाते हो। आर एन एक बार डर गया था, छोड़ने वाला था। ए नंबर बाबू इज इन द फॉर्म बाबू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बाबू, वेयर वेयर बाबू पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, आर बाबू इंटीजर, आर बाबू इंटीजर। एंड ये कंसेप्ट जरूरी ध्यान रखना, एंड बाबू इसको डिसकलर का ये रेड मार्कर से लिख देते हैं, खतरा 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 बाबू, डेंजर है। एंड बाबू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसको क्या पढ़ेंगे सेटा, इसको पढ़ेंगे Q not equal to zero। अरे ये बाबू मेरे, this is called equal to, last class भी हमने discuss किया, इस पे सलाई के inclined line draw कर दो, तो ये not equal to हो गया ना बाबू। तो इसको क्या पढ़ोगे, अगर पढ़ना चाहोगे बाबू, ठीक है ना, साइड में लिखा देंगे, नहीं तो लिखते चल फिर खराब हो जाएगा। ये नंबर बाबू इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, घर बाबू पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो बाबू, इज कॉल्ड बाबू, इज कॉल्ड सैतान, इट्स कॉल्ड सैतान फ्रैक्शन। मतलब क्या सर, फॉर एग्जाम्पल बाबू, अरे एग्जाम्पल क्या है बाबू, थ्री बाई फोर हो गया, एक न्यूमिनेटर हो गया, एक डिनोमिनेटर हो गया, फोर बाई सेवन हो गया, न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, जीरो होगा, हाँ सर जीरो भी हो जाएगा सर, इन नथिंग मेंशन बाबू, तो वन नहीं है, हाँ सर ठीक है बाबू, सेवन है बाबू, है ना, सेवन है, तो सेवन में बाबू सेवन बाई कितना हो जाएगा, एट कर दो, एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर, है ना। तो ये बाबू क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ईटीसी बहुत सारे एग्जांपल है ना। चलिए इधर बाबू क्या कर दीजिए, इसको क्या रीड करेंगे बाबू, इसको रीड करेंगे शैतान मेरे, इसको रीड क्या कर, इसको Q not equal to zero, इसको रीड क्या करोगे शैतान, कैसे पढ़ोगे Q, इसको रीड कैसे करोगे शैतान, रीड हो गया मतलब उसको कैसे पढ़ोगे ना, पढ़ो कैसे बाबू, Q not equal to, Q बाबू not equal to zero, Q not equal to zero, इसको बक्सा में बंद कर लेना कहीं साइड में, है ना, जो जो इम्पोर्टेंट चीज रहता है उसको बक्सा में साइड में बंद कीजिए। रोहित बाबू वीडियो ऑन कीजिए, ये सब शैतान है जी, नहीं पढ़ने वाला, इस लक्षण ये खराब है, ये हमारी रिश्ता क्यों बंद, सो गई बाबू रिश्ता जाके, रिश्ता सो गई क्या, वो सो जाती सर, है आपका आवाज ही अच्छे से नहीं आ रहा था बाबू, सभी के जा रहे हैं, मेरे पास आपके पास आवाज नहीं आ रहे हैं, एक मिनट बाबू अंदर सर, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि कैबिन में बहुत अति हुआ है वहाँ पे। अच्छा क्या बाबू, एक मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो आप लोग पुनः कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और शिवानी आज रेडी रहे बाबू, आपका प्राइज वाला प्राइज क्या है पहले तो आप बताइएगा, तब ना प्राइज, जल्दी से राइट डाउन करो, जल्दी से राइट डाउन करो। अब बाबू हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बाबू, ठीक है ना, आपको होल लाइफ यूज पड़ेंगे, जल्दी से राइट ऑन करो। वीडियो बाबू एक मिनट के अंदर बंद हो जाएंगे, पुनः आप कनेक्ट कर लीजिएगा।